जिस मूवी को देखकर आ जाए सोना, उस मूवी का नाम है विक्रांत रोना। भाई देखो सच्ची बताऊं तो मुझे इस मूवी को देख के सोना आ रहा था, क्योंकि इस मूवी के जो सीन्स है ना, कुछ मतलब इसकी जो स्टोरी मुझे लगी वो एकदम अलग ही लेवल की है। मतलब स्टोरी के अंदर क्या सीन है क्या नहीं है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कौन सा सीन किस सीन से कनेक्टेड है कुछ नहीं पता चल रहा। स्टार्टिंग में जब इस मूवी की स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि दो मूवीज के सीन्स एक साथ चला दिए हैं इन्होंने। मतलब एक मूवी अलग है एक अलग है, दोनों को मिक्स करके हमें ये लोग दिखा रहे हैं। लेकिन बाद में इन दोनों सीन को लिंक किया जाता है और फिर एक मूवी बनती है। देखो भाई इस मूवी के अंदर जो विक्रांत रोना है वो सुदीप किच्चा जी हैं हमारे। इस मूवी के अंदर जो विक्रांत रोना है वो हमारे सुदीप किच्चा जी हैं, जिन्होंने इस मूवी के अंदर एक पुलिस वाले का रोल लिया, जिन्होंने इस मूवी के अंदर एक पुलिस वाले का रोल निभाया है। ठीक है, बात करूं मैं इस मूवी के अंदर विलन के बारे में, तो विलन मुझे इस मूवी को कुछ खास नहीं लगे, क्योंकि इस मूवी की जो क्लाइमैक्स है ना उसमें थोड़े से एक्शन सीन्स डाल के इस मूवी को थोड़ा सा अच्छा बनाया गया है। बाकी इस मूवी के अंदर कुछ मुझे अच्छा लगा नहीं। फर्स्ट इंटरवल तक ये मूवी ठीक लगी, लेकिन उसके बाद में जो इन लोगों ने भसड़ मचाई है ना एकदम अलग लेवल की, वो स्टोरी कहाँ जा रही है क्या हो रहा है, मतलब स्टोरी के सिर हाथ पैर ही नहीं है कुछ, मुझे देखकर ऐसा लगा। और इस मूवी के जो डायरेक्टर है अनूप भंडारे जी, उन्होंने पता नहीं क्या सोच के ये मूवी को इतना बड़ा बना दिया। इस मूवी का जो बजट है वो 95 करोड़ रुपए का है और फर्स्ट डे में बॉक्स ऑफिस पर जो इसका कलेक्शन है वो 35 करोड़ रुपए का है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मूवी एवरेज मूवी रही होगी। और इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, क्योंकि ये मूवी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थोड़ी एवरेज मूवी लगी है। बाकी लोगों की अपनी अपनी चॉइसेस हैं, कुछ लोगों को ये मूवी बहुत पसंद आई होगी कुछ को नहीं आई होगी, लेकिन अगर मैं एज ए ऑडियंस बात करूं तो मुझे मूवी एकदम एवरेज मूवी लगी, इतनी ना ज़्यादा इतनी अच्छी ना ज़्यादा इतनी बुरी बेकार मूवी लगी। लेकिन इस मूवी के अंदर जो सीन्स हैं, जो विजुअल इफेक्ट्स हैं, जो ग्राफिक्स इस मूवी के अंदर यूज़ किए गए हैं वो एकदम लाजवाब है। जो कैमरा एंगल इस मूवी के अंदर चलाया गया है ना बहुत एकदम हाई लेवल का है, और जो एडिटिंग की गई है ना, जिस लेवल की एडिटिंग इसके अंदर की गई है, जो विजुअल सीन्स इसमें दिखाए गए हैं ना, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं अनूप भंडारी जी, उन्होंने इस मूवी के अंदर कुछ कुछ हॉरर सीन्स भी डाले हैं जिनको देखकर आप खुश हो जाओगे, इवन आपको डर भी लगने लगेगा। बाकी यही सब था इस मूवी के बारे में। अगर आप लोगों को हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।